हिमाचल प्रदेश में अध्यापकों के अभाव से बच्चों की चित्रकला की प्रतिभा दम तोड़ रही है। ये जानकारी फाइन आर्ट काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर शर्मा ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल में विद्यार्थी जिसकी रुचि चित्रकला में है, अगर उसे सही समय पर ड्राइंग शिक्षक का मार्गदर्शन मिल जाए तो वह एक अच्छा कलाकार बन सकता है, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में ड्राइंग शिक्षक नहीं है, जिसके चलते बच्चों की कला पनपने से पहले ही खत्म हो रही है। यही कारण है कि जो चित्रकारी आज से कुछ वर्षों पहले स्कूलों में दिखाई देती थी, वे आज देखने को नहीं मिलती है। चित्रकला किसी भी विद्यार्थी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चित्रकला विद्यार्थियों के विचारों को पंख लगा देती है, लेकिन अध्यापकों के अभाव ने उसके पंख ही काट दिए हैं, जिसके चलते विद्यार्थी आज मोबाइल की दुनिया में खोकर रंगों का एहसास करना भी भूल चुका है। अधिक जानकारी देते हुए फाइन आर्ट काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर शर्मा ने बताया कि हिमाचल में जिन स्कूलों की संख्या 100 से कम है, उन स्कूलों में ड्राइंग का शिक्षक नहीं है। वहाँ शारीरिक शिक्षक या शास्त्रीय शिक्षक पर ही विद्यार्थियों को ड्राइंग सिखाने की जिम्मेवारी है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें ड्राइंग सिखाने का स्तर क्या होगा। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि सभी स्कूलों में ड्राइंग के अध्यापक हों, ताकि जो विद्यार्थी चित्रकला में रुचि रखता है उसे बेहतर मार्गदर्शन मिले और वे कला के क्षेत्र में आगे चलकर अपना भविष्य बना सकें। उन्होंने कहा कि फाइन आर्ट काउंसिल कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बारे में अवगत करवा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है, जिसके चलते कला का फूलकली बनने से पहले ही मुरझा रहा है। तो जैसे आजकल जो बच्चे जनरेशन है पेंटिंग से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन मोबाइल्स वगैरह ज्यादा उनको अट्रैक्ट कर रहा है, क्या वजह मान रहे हैं? जी, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, क्योंकि आज के समय में हम लोग देखते हैं कि जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनको इन कामों से या कला क्षेत्र में जो है रुचि कम है और मोबाइल्स की ओर इनका रुझान ज़्यादा है। इसका मुख्य कारण ये भी है, जो मैं मानता हूँ, कि शिक्षा में कहीं ना कहीं ये त्रुटि है कि बच्चों को कला से नहीं जोड़ा जा रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में आपको भी पता होगा कि 100 से कम संख्या वाले जितने भी माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें ड्राइंग टीचर की पोस्ट नहीं है, यानी कि वहाँ पे या तो शारीरिक शिक्षक या शास्त्री या LT ये लोग जो है ड्राइंग पढ़ा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ड्राइंग में बच्चे कितने निपुण हो सकते हैं। और हमने कला के संरक्षण के लिए और कला के प्रसार के लिए हिमाचल फाइन आर्ट काउंसिल भी गठित की है, जिसमें हमारा समय समय पर सरकार से अनुरोध रहा है कि इस विषय को महत्वपूर्ण बनाया जाए और विशेषकर जमा एक व जमा दो कक्षाओं में इनको विशेष रूप से लागू किया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से भी जमा दो व जमा एक कक्षाओं की प्राइवेट परीक्षाएं ली जाती हैं, जबकि इनकी डेटशीट में भी ये विषय प्रकाशित होकर आता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि स्कूलों में इसको नियमित रूप से लागू नहीं किया गया है। यही कारण है कि आज की जो पीढ़ी है उन्हें कला से इतना ज़्यादा लगाव नहीं है।